हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ पर। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के विनाशकारी हमले ने पूरी दुनिया को सदमे में छोड़ दिया था। वर्षों तक लोग दुखी रहे, पॉलिटिशियन से लेकर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ने टेररिस्ट पर कॉन्सेंट्रेट किया, अपना ध्यान केंद्रित किया और आर्मीज के कोशिशों को चरम सीमा तक बढ़ा दिया गया। दरअसल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि रेस्क्यू और रिकवरी वर्कर मिलकर 24 घंटे काम करते थे और तब जाकर 8 महीने लगे उस पूरे मलबे को क्लीन अप करने में। दरअसल मैं आपको ये बताना ही चाहता हूँ दोस्तों कि जब उस मलबे को क्लीन किया जा रहा था, उस मलबे के नीचे कुछ बहुत ही विचित्र खोज की गई और आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। 18वीं शताब्दी को एक लकड़ी का जहाज जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट की खुदाई के दौरान खोजा गया था। 2010 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साइट की खुदाई कर रहे वर्कर्स ने सड़क के स्तर से 20 से 30 फीट नीचे लकड़ी के वेसल्स के 30 फुट लंबे सेक्शन की खोज की गई। एक साल बाद उन्होंने शिप के 3 फुट के हिस्सों को खोल दिया। फिर जुलाई 2014 में एक रिपोर्ट में पाया गया कि जहाज लगभग 1773 में वापस आया था और फिलाडेल्फिया के पास एक शिप यार्ड में बनाया गया, जो कॉलोनियल टाइम्स यानी औपनिवेशिक काल में जहाज निर्माण का केंद्र था। अब सवाल ये उठता है कि जहाज वहाँ आया कैसे। दरअसल जहाज को अस्थायी रूप से हडसन रिवर स्लूप के रूप में पहचाना गया, जिसे डच द्वारा पैसेंजर और कार्गो के उथले चट्टानों पानी पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। ऐसा माना जाता है कि 30 साल की सेवा के बाद यह ग्रीनविच स्ट्रीट के ब्लॉक वेस्ट यानी लोअर मैनहट्टन में अपने अंतिम विश्राम स्थल पर रवाना हुआ। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के खुदाई के दौरान क्या क्या पाया गया। खुदाई के दौरान उन्हें जानवरों की हड्डियां, चीनी मिट्टी के व्यंजन, बोतलें और दर्जनों जूते मिले। नाजुक ओक के टुकड़ों को स्कैन किया गया, सड़े गले कीचड़ से बाहर निकाला गया। जहाज शायद उसी तरह के सफेद ओक के पेड़ों से बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल इंडिपेंडेंस हॉल के कुछ हिस्सों को निर्माण के लिए किया गया था, जहां स्वतंत्रता की घोषणा और अमेरिकी संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। बिल्डिंग के टिम्बर में अभी भी दिखाई देने वाले लकड़ी के छल्ले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे में पाए गए जहाज से मेल खाती है। ये सुझाव दिया गया कि दोनों के बनावट में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी एक ही क्षेत्र से लाई गई। बोर्ड पर हथियारों की श्रृंखला भी पाई गई, जिसमें एक फ्रांसीसी निर्मित तोप का गोला और अमेरिकी निर्मित मस्कट गेंदों का चित्र भी शामिल। जहाज के फ्रेम में छोटे छोटे छेद थे, जिसमें पता चलता है कि उस समय कैरिबियन में टाइम स्पेंड किया गया था, जो उस समय रम, चीनी और गुलामों के व्यापार का सेंटर था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय।